हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं 40x50 का हाउस प्लान। तो वीडियो पूरा देखिए, आपको अच्छे से समझाएंगे क्या क्या है प्लान में। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे एक 40x50 फिट के हाउस प्लान की। तो इसमें हमने सारा बेसिक प्लानिंग कर रखा है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा एक मेन गेट होता है जो कि 10 फिट वाइड रोड से आता है। तो ये हमारा एक फ्रंट यार्ड हो जाता है जिसमें आप दो गाड़ियाँ खड़ी कर सकते हैं। काफ़ी बड़ी पार्किंग है और आगे हमने प्लांटर्स का प्रोविज़न किया ताकि ये एरिया और ब्यूटीफुल लगने लग जाए, मतलब एस्थेटिकली अच्छा लगने लग जाए। और ये हमारा जो ईस्ट डायरेक्शन है तो नॉर्थ ईस्ट में हमने पूजा रूम का प्रोविज़न किया है। तो यहाँ से इसके राइट साइड से हम एंट्री करेंगे घर के अंदर। एंट्री हमारा डाइनिंग और किचन एरिया के लॉबी में होगा। तो किचन एरिया भी हमारा काफ़ी बड़ा है, लगभग 13x10 फिट का हमारा किचन एरिया जो कि काफ़ी बड़ा है। तो इसमें लगभग 3-4 लोग काम कर सकते हैं। और डाइनिंग एरिया भी हमारा 6 सीटर है। डाइनिंग एरिया से लगा हुआ हमारा स्टोर रूम है। तो यहाँ पे जो भी किचन का स्टोरेज होगा यहाँ से हो सकता है और ये एक्सेसिबल है इधर से। नेक्स्ट हमारा यहीं पे एक पाउडर टॉयलेट है, कॉमन टॉयलेट हम बोल सकते हैं। कॉमन टॉयलेट से यहाँ पे जो मतलब जो भी गेस्ट वगैरह वो यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा एक डाइनिंग टेबल से भी हैंड वॉश वगैरह अगर करना है तो यहाँ पे उसका प्रोविज़न है। तो एक गुड प्लानिंग में आता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ से हमारा एक गेस्ट रूम है। अब इसको हम एंट्री यहाँ भी दे सकते थे लेकिन क्लाइंट ने बोला नहीं हमको यहीं से चाहिए, तो हमने सोचा यहीं से प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट हमारा ये गेस्ट रूम है, जो भी हमको गेस्ट वगैरह को एड्रेस करना है हम इस कमरे में कर सकते हैं अपना। एंड इधर से आगे बढ़ते हैं तो ये पैसेज हो जाता है, पैसेज से हम जाते हैं। तो ये अपना एक प्राइवेट एरिया हो जाता है पूरा। तो बेसिकली हायरार्की ऑफ स्पेसेस में हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। तो हमारे प्राइवेट एरिया, यहाँ से हम ऊपर चले जाएंगे फर्स्ट फ्लोर के लिए। और यहाँ से एक दो मास्टर बेडरूम टाइप में है। तो ये हमारा एक बेडरूम हो गया, 14x14 फीट by 12 फीट का हमारा ये कमरा हो गया। ये हमारा यहाँ पे आप वार्डरोब प्लेस कर सकते हैं। इसको प्रॉपर वेंटिलेशन है जो कि हमने लगभग 1 मीटर की जगह ऑफसेट छोड़ी हुई है। नेक्स्ट हमारा ये बेडरूम 2 है, तो ये भी काफ़ी बड़ा है, ऑलमोस्ट 12x14 फीट का कमरा है। और यहाँ से हमारा ये ग्राउंड फ्लोर कंप्लीट हो जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे ये किसी का एडजेसेंट प्लॉट था तो हमने उसको नहीं छेड़ा है। यहाँ से इस प्लॉट को एंट्री थी तो यहाँ से हमने मेन एंट्री ले ली है। और ये एक बोल सकते हैं कि ऑफसेट है जहाँ पे आपके प्लांटर्स वगैरह लग सकते हैं। और यहाँ से प्रॉपर बिल्डिंग को वेंटिलेशन भी मिल जाएगा। तो इसका पोर्च एरिया भी आप यहाँ से जब करेंगे इसके ऊपर एक बालकनी आएगी तो भी बहुत बढ़िया लुक आएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही प्लान्स के बारे में, प्लानिंग के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।